अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट उस्ताद शाह सकत मौजूद रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जहां स्पार्टन प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन के अंदर बड़ा कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को थी। स्पार्टन वर्सेस दमयाल थंडर वर्सेस वेटन बॉयज के दरमियान वेटन बॉयज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मेरे साथ आज मौजूद हैं काजी उजैर, मेरे साथ मुझे ऑनर भी है, पीटीवी के कमेंटेटर भी हैं, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे, आज की जो फर्स्ट इनिंग इनके हवाले से एनालिसिस करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम उजैर भाई। जी वालेकुम सलाम शाह जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्पोर्ट्स चैनल जो कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप रन कर रहे हैं, ये एक कंट्रीब्यूशन है हमारे यूथ के लिए जो आप अपने कैमरा एक्सपर्टीज के साथ, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज आपने माशाल्लाह पिच रिपोर्ट के बारे में जो एनालिसिस किया था तो हूबहू आपका 100% बल्कि 100% 200% आपने वही निकला कि बड़ा मुश्किल होगा बैटिंग करना। जी जी ऐसा ही था, टॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब ग्रीन टॉप विकेट होती है। आप पूरा टूर्नामेंट बैटिंग जो है फ्रेंडली विकेट्स पे खेलें और फाइनल आपका एक ऐसी विकेट पे होने जा रहा है, तो आप फाइनल में पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। स्ट्रेटेजी आपकी डिफरेंट होती है, सुबह प्लेयर्स आए मैच से पहले, पिच रीड की सारी चीज़ें, नो डाउट विकेट डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल थी, लेकिन कंडीशंस बड़ी साजगार थी, धूप निकली हो जहाँ पर, और ये चीज़ें जो होती हैं यहाँ से लर्न करने का बड़ा हमें मौका मिलता है। जो प्लेयर्स आउट हुए, जल्दी आउट हुए, रन आउट तो चले, बैड लक थी, 2-3 रन आउट हो गए, लेकिन दमयाल थंडर्स एक बड़ी टीम है, इन मिस्टेक्स को वो ओन करेगी और इनसे सीखेगी और आइंदा इस विकेट में जब खेलेंगे तो वो तैयारी करेंगे जी हमने क्या करना है फाइनल। आप ये समझते हैं क्योंकि ये प्योर पुअर स्ट्रेटेजी थी बैटिंग के लिए, क्योंकि टाइम देखें जो कंडीशन इस वक्त आपको पता है कि मॉइस्चर भी था विकेट के अंदर, क्योंकि विकेट कह रही थी थोड़ा सा टाइम लेना है, टाइम किसी ने नहीं लिया। मैं आपको एक बताऊँ शाहजी, अगर कोई प्लेयर ये एक्सक्यूज देता है ना कि पिच मुश्किल थी, मुश्किल पिच पे ही खेलना कमाल होता है, असल कमाल वही होता है। स्ट्रेटजी मैं नहीं समझा, टॉस हारने के बाद एक तो आपकी एक्सक्यूज चली जाती है जी मैं टॉस हार गया, टॉस हारने के बाद फिर आपने देखना होता है कि आपने बैटिंग में शफलिंग कैसे, जैसे जवाब शाह जी कल आए थे ओपन करने आए थे, आज वो आखिर में आए हैं बिल्कुल 9वें नंबर पे या 10वें नंबर पे बैटिंग के लिए आए हैं, तो थोड़ी सी लैक ऑफ प्लानिंग भी थी और फाइनल उनको कॉस्ट होने जा रहा है। नो डाउट रिजल्ट क्या, अब नो वन नोज की रिजल्ट क्या होता है, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बड़ी टीम है फाइनल मैच में और इससे उनको सीखना चाहिए और आइंदा के लिए अगर इस तरह की विकेट होती है तो किस तरह से बैटिंग लाइन, आपने टॉस को भूल जाएं, टॉस आपकी किस्मत में नहीं होता, आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं उसके बाद क्या करना है, फाइट कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस तो आपका 30% होता है ना, 30% गेम का टॉस होता है कि भी आपने टॉस विन कर लिया तो चलो यार उसका थोड़ा सा एडवांटेज 2 से 4 ओवर का होता है बॉलिंग का, यार कि उसको सर्वाइव करना है आपने, बट आपकी वो प्लानिंग भी नहीं थी कि आप इसको थोड़ा सा 2 से 4 ओवर को सर्वाइव कर लें, आप अटैकिंग के लिए गए थे मुकम्मल तौर पर, सारे के सारे बैट्समैन जो आ रहा अटैक कर रहा था तो ये मेरे ख्याल में इनकी पुअर स्ट्रेटेजी होगी बैट्समैन की भी और मैनेजमेंट की। शाह जी एक चीज़ मैं कोट करूँगा, जो 99 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, टॉस पाकिस्तान ने जीता, 2 घंटे पहले बारिश हुई थी और कंडीशंस जो है मॉइस्चर इंग्लैंड में वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है और दुनिया ये कह रही थी कि टॉस जीतने के साथ पाकिस्तान 50% मैच जीत गया और पाकिस्तान की बेस्ट टीम खेल रही थी, सईद अनवर, अब्दुल रजाक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, दुनिया की बेस्ट टीम, ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम थी, किसी ने नहीं हराया था। मैं कोर्ट इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर टॉस पाकिस्तान जीत गया था लेकिन मैच हार गया था, तो हम टॉस को ब्लेम भी 30% आपने बिल्कुल कहा, टॉस के साथ टॉस का फायदा लिया दूसरी टीम ने, वेटन बॉयज ने, ठीक है, लेकिन ये चैलेंज था दमयाल थंडर्स के लिए, तो मैं उनको डाउन बिल्कुल नहीं करना चाहता, डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, आई होप कि इन मिस्टेक से वो सीखें और फ्यूचर में अच्छा खेलें और मेरे ख्याल से दोबारा ये टीम यहाँ पे खेलने की ख्वाहिश जरूर करेगी कि भाई हमारे बैट्समैन दूसरे एक चांस और दें। हाँ जी फाइनल मैच में मैं आपसे एक और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बात को डिस्कस करना चाहूँगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी इशू है कि इस किस्म की कंडीशन की विकेट हमें खेलने के लिए मुहैया नहीं की जाती हैं। बाकी आप ग्राउंड्स के अंदर देखें स्ट्रेट विकेट होते हैं, बल्ले पे बॉल आ रहा है, जिधर उठाई टांग निकाला खेल दिया, अब ये विकेट बहुत अरसे के बाद इनको मिला यहाँ तो आपके सामने एक्सपोज हो गया सब कुछ, बैटिंग क्लैप्स मुकम्मल तौर पर, अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, कल वही बैट्समैन है जिन्होंने 100 करके, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मैच दमयाल थंडर जीतेगी, बट बहुत अच्छी बैटिंग की आबिद ने और उस्मान ने, आज वो देखें वो फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी अहम बात आपने की है, हमारी बैटिंग दुनिया में पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाके इसीलिए फ्लॉप हो जाती है कि यहाँ पे हमें बैटिंग फ्रेंडली बैटिंग विकेट्स मिलती हैं, एक टीम 800-900 रन कर रही होती है, श्रीलंका ने 999 बनाए
वही श्रीलंका है, वो बाहर जाके 100 से कम पे आउट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की विकेट्स क्रेडिट देना होगा बेरिया टाउन इंतजामिया को, रफी क्रिकेट स्टेडियम वालों को। विकेट बनाई है ताकि प्लेयर्स को अपनी कैपेबिलिटीज का पता चले कि मैं कितना खेल सकता हूँ ग्रीन टॉप विकेट्स पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह की विकेट्स बननी चाहिए डोमेस्टिक में भी, और मेरे ख्याल से इस तरह की विकेट्स हर जगह पे होनी चाहिए। कम अज कम आपके एक दो मैचेस ग्रीन टॉप विकेट पे होने चाहिए। एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड में हमारी पूरी टीम उतना रन नहीं कर पाती जितना वो केन विलियमसन डबल सेंचुरी मार गया, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आप इस तरह के मैचेस से बहुत कुछ लर्न करते हैं। फाइनल शायद दमयाल थंडर्स हार जाए लेकिन बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। जी नाजरीन, मेरे साथ काजी उजैर पीटीवी के कमेंटेटर मौजूद थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और मेरे चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया। उन्होंने उनका बिल्कुल मॉर्निंग टाइम के अंदर एक एनालिसिस किया था उन्होंने कि आज का बड़ा मुश्किल मैच होगा, जो बॉल करेगा तो डेफिनेटली उसको आज हासिल होगा, और वाकई बैटिंग बॉयज ने इसका आज हासिल किया और 40 रन के ऊपर 10 ओवर के अंदर दमयाल थंडर्स को आउट कर दिया और एक अच्छा कम बैक किया दमयाल थंडर ने। अब देखते हैं कि ये 40 रन भी उनके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे क्योंकि प्रेशर गेम है। अब आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि आज का मैच कौन विन करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।